हेलो नमस्कार, हिना रिएक्शन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप अपनी जगह पे मस्त हैं, स्वस्थ हैं और भले चंगे हैं। और आज जिस भजन पे मैं आपको रिएक्ट करके बताऊंगी, उस भजन का नाम है हनुमान जी करेंगे कल्याण। और जहाँ तक आपको इस गाने में स्टोरी देखने को मिलेगी ना, वो एक इमोशनल स्टोरी है कि इसमें बताया गया है कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर मन सच्चा हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस यह है कि मन में सच्चाई होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए और सब कुछ। मतलब यह है कि मन में सच्चाई होगी ना तो चाहे कैसी भी स्थिति हो हम उसमें हैंडल मतलब उठते जाते हैं। पर यह है कि आजकल के जो दौर है ना, मन में छल कपट बहुत है और वो बंदा ज्यादा ही उठता जाता है। और जो बंदे में छल कपट बिल्कुल नहीं होता ना, वो बंदा बेचारा नीचे होता रहता है। शायद भगवान उसकी परीक्षा लेता रहता है। पर जस्ट भगवान के ऊपर विश्वास रखो, अपने हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखो और अपनी श्रद्धा से सबका भला करो। और यह है कि आप किसी का भला करोगे तो कभी ना कभी उसका पुण्य हमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। पर यह है कि कहीं ना कहीं अच्छाई काम आती ही आती है, चाहे वो 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए या अगले जन्म में आए। पर नहीं, आजकल अगला जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, इसी जन्म में है। आज करो, आज भरो, आज ही सब कुछ इच्छा हो। ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगी, बस यह है कि भजन सुनेंगे हम, हनुमान करेंगे कल्याण। हंसराज रघुवंशी जी ने ये गाया है और इनके तो वैसे भी भजन बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। जैसे भोलेनाथ के भजन बहुत गाते हैं, पर इन्होंने हनुमान जी कुछ अलग से हनुमान करेंगे कल्याण सॉन्ग भी गाया है। और बहुत ही इमोशनल स्टोरी को दर्शाया गया है इसमें कि एक जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, कि पेशेंस, कि आदमी में ना वो क्या बोलते, इच्छा होनी चाहिए सहन करने की, तो भगवान भी उसका सहारा देता ही देता है, चाहे लेट दे। पर यह है कि होता है, भगवान भाई जो जिससे जितना प्यार करता है भगवान उसकी परीक्षा तो लेता ही लेता है। तो चलो सुनते हैं हम इनका, हंसराज रघुवंशी जी का हनुमान करेंगे कल्याण। पर यह है कि मन में छल कपट विरोध कभी नहीं रखना चाहिए, है ना। और बाकी देखते हैं भाई, थोड़ा बहुत विरोध तो हो ही जाता है मन में, पर यह है कि इतने भगवान तो हम भी नहीं है, थोड़ा हो जाता है यार। कभी कोई किसी की बात बुरी लग जाए तो वी आर बीइंग ह्यूमन। तो चलो, तब अगर बुरे लग जाए ना तो ऐसे बोलना, जय भगवान जो अभी आपके आराध्य हैं, कि थोड़ी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और मन जो होता है खुश 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 होने का, मन मतलब खुश रहने का मन करता है। तो इसी इस जो ये जो गाना है ना वो इसी पे है। डर मतलब एक स्टोरी है, जो बंदे टीज तो करते हैं पर वो कैसे हैंडल करते हैं, है ना। चलो सुनते हैं ये गाना। राम 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 बेचारा ने। अरे यार, अरे भाई देखिए, सलमान खान वीडियो बनाने लग रहा है। तो हमारी गैल की फोटो भी चाहिए, हम भी कर देंगे इंस्टा पे भाई। ओके, हमारा भी नाम हो जाएगा। अपने में लेट थोड़ी लग रहा हूँ, किसी ने अच्छी बात बताने लग रहा हूँ। तो बेटा कुछ ना तो रहन सी जान में, अपनी रोटी कमाने का जुगाड़ देख, न्यू खड़े खड़े ज्ञान देने तक कोई ना सुना करे। अरे सुनेगी ताऊ, अगर हनुमान जी ने चाहा तो पूरी दुनिया सुनेगी, तू उदास मत होया कर भाई। देख तेरी खातिर मैं के लेके आया हूँ, इसे पहन के रखा कर। के ही
हनुमान हनुमान करेंगे कल्याण, हनुमान करेंगे कल्याण। जप ले तू राम का नाम, जप ले तू राम का नाम, हनुमान करेंगे कल्याण, हनुमान सरा ने आज मेरे 75 पार्ट का पहला दिन खाई ठीक है। यूं ही नहीं तुम्हें मारुति नंदन सब दुख भंजन कहते हैं, यूं ही नहीं तुम्हें दीन दयालु संकट मोचन कहते हैं। देखा और कितनी अच्छी, मतलब इनको देख के कितना मोटिवेट होता है बंदा कि नहीं थोड़ा मेहनत मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी भगवान देखता है कि मेहनत कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बोलते ना हमारे हाँ नहीं हिमाचली बोलते थोड़ा छाए थोड़ा बाएं तक ने थोड़ा छाए छाए तक ने बाएं तक क्या बताना, मतलब भगवान भी थोड़ी वो देता है कि थोड़ा आप करो थोड़ा हम करेंगे तो ढेर हो ही जाता है ना। वैसे ही मेरे YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार देना और मैं आपको चुटपटे आपको गानों के बारे में ऐसे ऐसे मोटिवेट करती रहूंगी जो मुझे समझ में आएगा और अपने प्रवचन सुनाती रहूंगी, सुन लेना प्लीज। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।